तो हे व्हाट इज़ अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है, आज हम एक जगह घूमने जाने वाले हैं और ये नई सीरीज़ नहीं है, बस एक एपिसोड है छोटा सा, या कह सकते हो एक वीडियो है, तो नई सीरीज़ नहीं है सोच लो। ओके, तो यहाँ नीचे पे चलते हैं पहले हम, और आज हम घूमने वाले हैं नेदर में, लेकिन हम नेदर में नहीं जाएंगे, समझ रहे हो, नेदर में नहीं जाने वाले, ओवरवर्ल्ड में लाएंगे नेदर को और घूमेंगे, देखेंगे कैसा लगता है। तो चलो घूमने चलते हैं, और अभी हम बोट से जाने वाले हैं, तो ये वाला आइलैंड है एक और यहाँ से हम जाएंगे, तो बोट से जाएंगे आराम से। वैसे भी मैं सर्वाइवल में नहीं हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, उड़ के भी जा सकता हूँ, तो बोट से चलते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि अगर बोट से जाएंगे तो कैसा लगेगा, मतलब सामने से देखने में। मुझे पता है मैंने यहाँ पर बहुत फालतू बात की है, लेकिन मुझे फीलिंग लेनी थी ना, आप फीलिंग को तो समझो। तो हमें जाना है इस डायरेक्शन में, और इस साइड में है वो जगह, तो धीरे धीरे अभी हम जैसे जैसे जाएंगे आपको दिखने लग जाएगा सब कुछ, तो हल्का सा एरिया आपको दिखने लग गया होगा। तो पहली बायोम हमारी पॉप्ड फॉरेस्ट है, जो कि एक सैंड के एरिया में है, तो इस तरह का लगेगा अगर नेदर ओवरवर्ल्ड में आ जाए, देख रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा घूमने भी वाले हम वहाँ पे, तो जल्दी से चलते हैं, और बोट से आने का मज़ा अलग ही है वैसे सही में, तो आराम से चलते हैं पहले। और हम पहुँच चुके हैं अब आराम से, और अब मैं उतर जाता हूँ, ज़्यादा ही स्टाइल मान लिया, तो चलो देखते हैं। और नोटिस करना जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, तो आसपास का एरिया नोटिस करना, जैसे जैसे मैं वॉफ्ट बायोम में एंटर करूंगा वैसे वैसे देखना बदलता जाएगा आसपास का एरिया। तो ये देखो स्काई थोड़ा बहुत पर्पल होने लग गया, और जैसे जैसे मैं और अंदर जाता हूं फॉरेस्ट के, तो स्काई को कुछ देखना ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसा नेदर में होता है हमारा। तो नीचे नीचे का एरिया बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हम वॉफ्ट फॉरेस्ट में ही हो, और ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आप सबको दिखाना चाहता था ये सब। तो यहाँ पे कोई सर्वाइव भी कर सकता है, तो एक तरह से हम इसे सर्वाइवल मैप की तरह भी खेल सकते हैं अगर कोई खेलना चाहे तो। इसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नेदर में पानी होगा, थोड़ा अजीब लग रहा है, देखो अंदर भी जाऊँ तो नेदर रैक है, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा कुछ लग रहा है। तो नेदर का जो एम्बियंस है वही कुछ ऐसा होता है कि ऑरेंज ऑरेंज लगता है हर कुछ, ऑफकोर्स वो नेदर है तो ऑरेंज ही लगेगा ना। ट्राई करते हैं दूसरी बायोम ढूंढने की, तो अभी तो थोड़ा सा मैं उड़ ही सकता हूँ। यहाँ पे देखो आइस वाली बायोम है, और उसके उधर पे शायद एक और बायोम होनी चाहिए, तो वैसे हमें मॉब से कोई ख़तरा तो है नहीं ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ क्रिएटिव में खेल रहा हूँ। ओके इधर पे चलते हैं थोड़ा टाइम पास करने, आइस है वहाँ पे और मेरे पास बोट भी है, समझ रहे हो ना मैं क्या करने वाला हूँ, पता नहीं क्यों ये करने में बड़ा मज़ा आता है लेकिन आता ज़रूर है। ओके अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखो यहाँ पे लावा और पानी का मिलन हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पानी है और यहाँ लावा है लिटरली, मतलब देखो अगर मैं दोनों ब्लॉक के बीच में आता हूँ तो मैं जलूँगा नहीं, लेकिन जैसी लावा की तरफ जाता हूँ तब जलूँगा, तो दोनों के बीच में मैं सेफ हूँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। अब रात सी होने लग गई है, तो दूसरी बायोम ढूंढनी पड़ेगी अभी हमें, जो कि इस साइड मिलनी चाहिए हमें। यहाँ पर स्ट्रे भी स्पॉन होने लग गए, अभी इसको अभी हम छोड़ते हैं, हम नेदर देखना है ना। ओके दूसरी बायोम ढूंढते हैं जल्दी से। ओके देखो ओवरवर्ल्ड में गास्ट स्पॉन हो रही है, देखो भाई अभी कैसा अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पे गास्ट भी स्पॉन होंगी। और हाँ इसमें आपके लिए एक बात बता दूँ, एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले खोलना मत भूलना, ठीक है, तो सब कुछ स्पॉन होगा, नेदर हम ओवरवर्ल्ड में ले आए हैं तो उसके मॉब्स भी आएंगे ही ऑफकोर्स, और ये देखो एंडरमैन भी स्पॉन होने लग गए, तो जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे सारे मॉब स्पॉन होने लग जाएंगे। और ये क्यों स्पॉन हुई है, अब ये देखो आगे, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, मतलब देखो बसाल्ट के माउंटेन्स कभी देखे हैं आज तक, वो भी इस तरह के बिल्कुल सैंड और बसाल्ट से मिले हुए हैं। तो आ चुके हैं हम बसाल्ट डेल्टा में, तो ये देख लो अभी, ये सब तो आपने वैसे देखा ही है लेकिन ओवरवर्ल्ड में देखने की बात ही अलग है कुछ। और यहाँ पे देखो ये डियोराइट अलग ही चमक रहा है, ऐसा लग रहा है दूसरा ही पोर्टल होगा। और जो ब्लैक स्टोन और नेदरैक मिल के एक ऐसा पहाड़ बना रहे हैं, मतलब जो देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है, और मॉब्स वगैरह स्पॉन हो ही रहे हैं देख ही लो। और यहाँ देखो यार, वैसे इससे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल सकते हैं, तो नेदर ओवरवर्ल्ड में काफ़ी अच्छा है, और इससे अच्छा क्या होगा, देखो ब्लैक स्टोन का पूरा पहाड़ जो हमें मिलना मुश्किल हो जाता है नेदर में, वो हम यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ उतना खतरा भी नहीं है, मैग्मा क्यूब अगर आया भी तो हम पानी में कूद जाएंगे। लेकिन हाँ अभी हमें एक और बायोम ढूंढना बाकी है, जो कि हमारा क्रिम्सन फॉरेस्ट। ओके वेलकम टू क्रिम्सन फॉरेस्ट गाइस, आ गए हम फाइनली, और ये देखो कैसा लग रहा है। तो वॉफ्ट फॉरेस्ट के साथ में ही एक क्रिम्सन फॉरेस्ट है यहाँ पे,
और यहाँ पे घूम रहे हैं क्रीपर जिन्हें नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पे इनसे दूर ही रहते हैं। और स्केलेटन यहाँ स्पॉन हो रहा है और वहाँ देखो पिगलिन घूम रहे हैं वहाँ पे, और क्रीपर भी घूम रहा है साथ में। और जैसे ही मैं इनके पास जाऊँगा ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन बन जाएंगे, रीज़न आपको पता ही है ना। तो मैं अभी हॉगलिन ढूंढ रहा हूँ, एक मज़ेदार चीज़ करनी है मुझे उनके साथ। अभी मारो इसे छोड़ना मत छोड़ना मत, जल्दी से मारो इसे। इतना मजाक बहुत हो गया। अब ये देखो ये तो अल्टीमेट लेवल का लग रहा है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन देखो ऐसा लग रहा है कि कोई वॉल्केनो वाली बायोम हो। तो देखो पीछे बसाल्ट है, नीचे ब्लैक स्टोन और ऊपर नेदर रैक, तो मतलब तगड़ा ही लग रहा है। और अगर स्काई को देखोगे आप नोटिस करोगे तो वहाँ भी नेदर जैसा हो गया है, तो मतलब अलग सी फील आती है काफ़ी। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, कितना तगड़ा लग रहा है। बसाल्ट डेल्टा तो इतना सुंदर कभी नहीं लगता था मुझे जितना यहाँ पे लग रहा है। वॉर्प्ड फॉरेस्ट में विलेज देख लो अगर कभी नहीं देखा होगा तो। यार ये कैसा लग रहा है, अजीब सा, देखो तो सही। अगर मैं लोकेट कमांड का यूज़ करूँ तो ये लिखा आता है, मतलब मैं कुछ ढूंढ नहीं सकता इस तरह से, तो कमांड यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। ओके तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, एंड मुझे उम्मीद है आपको देखने में ज़रूर मज़ा आया होगा इसको। और अभी तक हमने सोल सैंड वैली ढूंढी नहीं है, लेकिन वो अब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप लोग इस एड ऑन को डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से करो। और सोल सैंड बायोम मिले तो मुझे बताना। और इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड हम लोग अब मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में।